तो सोचिए, अगर आपका मन हो खाना खाने का बाहर, और आपको खाना चाहिए ऐसा जो कि बना हो बिल्कुल घरगुती तरीके से, जिसमें ऑयल कम इस्तेमाल किया गया हो और एकदम फ्रेशली प्रिपेयर्ड हो, एकदम घर जैसा खाना, और वो भी अफोर्डेबल रेंज में, तो ये चीज़ दोस्तों पॉसिबल है पूरा नागपुर में। इस तरीके से दोस्तों इनका सेटअप यहाँ पर आप देख सकते हो, एकदम शानदार सेटअप स्ट्रीट फूड। यहाँ पर आप इनका दोस्तों ये बोर्ड देख सकते हो, कॉम्बो थाली ₹80 ओनली, ये ₹80 में थाली है दोस्तों। देखिए, जिसमें झुनका मिलता है आपको, एक भाकर मिलती है, भाजी, ग्रेवी, वेज पनीर पुलाव, कढ़ी, पापड़ और गुलाब जामुन, रसगुल्ला, इस सब के साथ में आता है दोस्तों मात्र ₹80 में। यहाँ पर देख सकते हो, बाकी भी ये पूरा आप मेनू देख लीजिए यहाँ पर, लेकिन इनका मोस्ट फेमस चीज़ है दोस्तों ₹80 में फ्रेशली प्रिपेयर्ड, होमली प्रिपेयर्ड खाना। अभी आपको बता दें, ये देखिए। तो मैम, कैसे क्या आइडिया आया आपको ये सेटअप का? सर, ये आइडिया तो मेरे हस्बैंड का था। अच्छा, पहले कोई और दूसरा लोकेशन था ना अपना, अभी फिर यहाँ पर स्विच कर दिया? सर, मार्केट में टांगा स्टैंड के पास था पहले, था अभी यहाँ पर स्विच कर दिया है ना। तो मैम, ये सब जो खाना है ये सब आप खुद बनाते हो या कैसे? जी हाँ सर, मैं खुद बनाती हूँ। आप खुद बनाते हो? अच्छा, तो ये बिल्कुल एकदम अपना घर जैसा खाना होगा है ना, जिसमें ऑयल कम है और सारी तरीके से मतलब एकदम फ्रेश खाना है। ये देखिए, बताइए अभी मैम जल्दी से क्या क्या आप बना के रखे हो? सर, हमारी कॉम्बो थाली है ₹80 में, जिसमें स्वीट आएगा। ₹80 में देते हैं अपन थाली, हाँ, है ना? अच्छा, जिसमें स्वीट आएगा सिंगल। अच्छा, ये स्वीट आएंगे। अच्छा, ये प्राइस भी आ गए। ओके, ये पनीर पुलाव है अपना। पनीर पुलाव, ये राइस भी आपने बढ़िया क्वालिटी का यूज़ किया है, कौन सा राइस है ये बताना चाहूँगी? डायमंड क्वालिटी का राइस है। ओके, ये इंक्लूड होता है ₹80 वाली थाली में, है ना? अच्छा, अभी इधर आ जाते। ये हो गया झुनका। ये क्या है, झुनका? हाँ। अच्छा, बिल्कुल गर्म होंगे मैम ये अभी? हाँ। अच्छा, वाह, तो गर्म लग रहा है दोस्तों ये। ये देखिए, ये झुनका मीन्स ये बेसन का बना हुआ रहता है ना, एकदम महाराष्ट्रियन डिश है अपनी। नेक्स्ट है, अच्छा, दाल का अंडा। ये दाल के हिसाब से रहता है हमारा। अच्छा, तो आज संडे है, संडे के हिसाब से आज दाल का अंडा और मटर पनीर की सब्जी रहेगी। संडे को दाल का अंडा और मटर पनीर की सब्जी, और बाकी दिन? बाकी दिन डे के हिसाब से, जैसे सोमवार को काबुली चना। अच्छा, काबुली चना, मसाला भरता, आलू भरता, मसाला आलू भरता, मतलब बदल बदल के भी प्रोवाइड कर रहे हो? जैसे आपने बोर्ड पे लिखा है। अच्छा, वैसे ही डे के हिसाब से चेंज होते हैं। तो यहाँ पर लिख के रखे क्या आपने, मतलब कि क्या क्या बदल के मिलता है? जी हाँ। अच्छा, वाह, तो बताइए अभी फिर ये क्या, ये तो हो गया ना कांदा भजा, अभी ये वाला नेक्स्ट है मटर पनीर की ग्रेवी। ये मटर पनीर की ग्रेवी है? हाँ। अच्छा, वाह, कड़ी। ये क्या है, कड़ी? कड़ी। अच्छा, ये भी बहुत फेमस है अपने नागपुर में, मतलब नागपुर के लोग बहुत पसंद करते हैं यहाँ पे कड़ी। तो ये देख सकते हो दोस्तों, ये रहा इनका पूरा सेटअप, और ₹80 में मिल रहा है भैया आपको ये सारा खाना ₹80 में। तो मैम, टाइमिंग क्या रहता है अपना? टाइमिंग रात को 7 से 11। 7 से 11 शाम में बस? हाँ। शाम में चालू होता है गाइस, ये देख सकते हो आप, ये पूरा एरिया यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर बहुत रश हो जाता है, अभी फिलहाल यहाँ पर रश थोड़ा कम है। ये फाइबर की प्लेट्स रखते हो नहीं क्या? जी, ये प्लेट जो है यहाँ पे थाली लगती है, जिसमें ये वाली प्लेट यूज होती है। अच्छा, पार्सल में, पार्सल के कंटेनर्स होते हैं अपने, पार्सल के कंटेनर्स बताइए एक बार कैसे? अच्छा, ये वाले जिसमें पार्सल होता है। हाँ। तो आपका जोमेटो वगैरह पे भी है क्या लिस्टेड? हाँ सर, जोमेटो। अच्छा, स्विगी पे भी है। क्या नाम से? स्ट्रीट फूड कॉम्बो थाली। स्ट्रीट फूड कॉम्बो थाली, तो ऐसा लिखने पर दोस्तों आपको मिल जाएगा ₹80 वाली थाली जो है वो इनकी है। आप देख सकते हो यहाँ पर इस तरीके से पैकेजिंग में आएगा ये, तो इसमें भी सब वही आता है जो आप बोल रहे हो, मतलब जो प्रोवाइड यहाँ पे करते हो वही चीज़ पार्सल में भी जाती है ना, है ना? ये देखिए पार्सल, स्वीट हमेशा रसगुल्ला ही रहेगा? नहीं, गुलाब जामुन भी रहता है। गुलाब जामुन भी रहता है? गुलाब जामुन भी रहता है। अच्छा अच्छा, स्वीट भी बदलते रहते हो मतलब आप, और सब्जियाँ भी बदलते रहते हैं मतलब, है ना? अच्छा, वाह, तो फिक्स डे मैम ये कौन से दिन कौन सी सब्जी मिलनी है, ये फिक्स डे क्या आपका? फिक्स डे। अच्छा, तो एक बार मतलब लोगों को पता चल गया तो उसके हिसाब से भी, इंटरेस्ट के हिसाब से आ सकते हैं, ये बढ़िया चीज़ है। बनाइए अभी एक प्लेट, लगाइए सर, ये आपकी लगा रहे? ओके, लगाइए। तो ये वॉश वगैरह करने में तो बहुत समय जाता होगा आपका, बहुत मेहनत वाला काम है, है ना? आ गया रसगुल्ला, ये राइस, पुलाव राइस है ना? हाँ। ये राइस में भी कुछ वेरिएशन होते हैं क्या अपने डे बाय डे, कि मतलब ये राइस सेम रहता है? कंपलसरी यही रहता है, राइस सेम रहता है, पुलाव राइस है ना ये? हाँ, वेज पुलाव। झुनका, ये झुनका,
बेसन का प्रिपेयर्ड होता है ये? जी, सूखा बेसन रहता है। नेक्स्ट दाल कांदा। ये दाल कांदा मटर पनीर की ग्रेवी आ गई ना। ओके, नेक्स्ट कड़ी। ये आ गई कड़ी है ना। ओके, कंप्लीट। मिर्ची का ठेचा। अच्छा, ठेचा भी है। इतने आइटम है, आपकी स्पेस नहीं बच रही है थाली में। 80 रुपये में काफी कुछ प्रोवाइड कर दिया आपने। और ये आगे रोटी, ये बिल्कुल एकदम गेहूं के आटे की है ना? नहीं, ज्वार बाजरे की मिक्स भाकर है। अच्छा, ज्वार बाजरे की मिक्स भाकर है ये? जी हाँ। अच्छा, तो साइज आप, हाँ वही आपने साइज मेंटेन रखा है एकदम, नहीं तो वो एक्चुअली थोड़ा मोटा रहता है ना, तो साइज एकदम परफेक्ट है ये इजीली। ये देख सकते हो दोस्तों आप, आसान रहेगा मतलब खाने में। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हो थाली हमारी आ चुकी है अभी, ये देखिए। सच में दोस्तों जब भी आप कहीं बाहर जाते हो खाना वगैरह खाने के लिए, आपने देखा होगा कई बार जो है होटल में एक एक ग्रेवी का रेट जो है आजकल 120 रुपीज़ 130 रुपीज़ प्रोवाइड होता है, और वो भी बिल्कुल आपको एक डर रहता है कि मतलब ऑयल जो है वो उसमें कैसा इस्तेमाल किया गया होगा और कितना इस्तेमाल किया होगा। कई बार आपकी कंप्लेंट्स रहती है कि ज़्यादा ऑयल में जो है सब्जियाँ बनाई जाती है। यहाँ पर अंकल भी अभी इंजॉय कर रहे हैं। अंकल कैसा लगा आपको खाना? बढ़िया है, एकदम मस्त, मज़ा आ गया एकदम, है ना? बिल्कुल टेंशन फ्री हो गया, खा सकते हैं अपन, एकदम होमली प्रिपेयर खाना। हाँ, ऑयली वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन घर जैसा खाना। तो आप हमेशा आते होंगे यहाँ पर मतलब, है ना? मतलब जब भी मन हुआ खाना खाने का तो इधर ये बेस्ट है ना, जब से पता चला है तब तो बेस्ट चीज़ है दोस्तों ये। 80 रुपये में यहाँ पर खाना मिल रहा है आपको। कहीं होटल वगैरह में जाते हो तो आपको सिर्फ एक सब्जी मिलती है 120 रुपये में। यहाँ पर देखिए ये दो सब्जी हो गई, ये झुमका है ना, ये झुमका हो गया यहाँ पर। ये देखिए ये महाराष्ट्रियन कढ़ी अपनी, जो कि नागपुर में बहुत फेमस है, बहुत पसंद करते हैं लोग। और ये मटर पनीर वाली सब्जी है ना, ये सब्जी है। और ये रसगुल्ला, जवार भाकरा है दोस्तों, ये बहुत अच्छी होती है डाइजेशन के लिए, सबसे बेस्ट चीज़ है। तो ये और साथ में ये पुलाव, और पुलाव और ये टेचा भी है, और भैया प्याज भी है यहाँ पर, प्याज देख सकते हो आप। तो बढ़िया ये थाली है दोस्तों 80 रुपये में, ज़रूर आप कभी विजिट करिए यहाँ पर। बढ़िया आ गया दोस्तों, बड़ा बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों खाना मेरा खा के हो चुका है, और इतने अफोर्डेबल रेंज में इतना क्वालिटी का खाना पूरे नागपुर में आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, ये गारंटी है दोस्तों मेरी। ज़रूर आप एक बार विजिट करिए। कई सारे लोग ऐसा समझते हैं कि वीडियो में बताने के लिए मतलब वीडियो बन रही है, तो हर कोई बोलता है कि मतलब हम तारीफ़ ही करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ये जो है क्वालिटी सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, और इस तरीके का काम पूरे नागपुर में अभी फ़िलहाल कोई नहीं कर रहा है। तो अगर आप ये नागपुर से वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और साथ ही साथ दोस्तों ज़रूर यहाँ पर विजिट ज़रूर करिए। तो भैया सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू, खाना सच में आपका बहुत ही लाजवाब है ना। मैं मतलब वीडियो बना रहा हूँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा। और इतने अफोर्डेबल रेंज में घरगुती खाना फिलहाल नागपुर में कोई नहीं कर रहा, मतलब इस बात के लिए तो सच में दाद देना पड़ेगा आपको। और क्या मतलब अपने एड्रेस वगैरह अभी सब कुछ थोड़ा सा बता दीजिए सर। महल झंडा चौक सकादा रोड। अच्छा सर, लैंडमार्क है सर बजरंग काज भंडार, थोड़ा ये बजरंग काज भंडार न्यूट्रिशन.com है दोस्तों, ये अपोजिट में यहाँ पर देख सकते हो आप। और ये है बजरंग काज भंडार, और ये अपना कौन सा झंडा चौक पे? महल झंडा चौक सकरदारा रोड। 101% मेरी तरफ से फुल्ली रिकमेंडेड चीज है दोस्तों। तो आइए आप विजिट करिए और यहाँ पर टेस्ट करिए, आपको सच में मजा आ जाएगा।